अस्सलाम वालेकुम। क्लास वन के सब्जेक्ट एसएसटी के इस लेक्चर में बेटा आपको पेज नंबर 20 की मैचिंग करनी है। ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है बुक के ऊपर, आपने इसको सॉल्व करके अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। और इसके साथ ही पेज नंबर 22 की आपने रीडिंग अच्छे तरीके से सुननी है और फिर उसको लर्न भी कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको मैचिंग के बारे में बताती हूँ। एक्सरसाइज सी, वेयर डू दीज फूड्स कम फ्रॉम, जो खाने की चीज़ें हैं जिनकी ये पिक्चर्स बनी हैं ये कहाँ से हमें हासिल होती हैं। जॉइन द फूड्स टू द थिंक दे कम फ्रॉम, हमें जो है ये फूड कहाँ से हासिल होता है हमने उसकी मैचिंग उस जगह के साथ करनी है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर एप्रिकॉट, तो ये एप्रिकॉट जो हमें एप्रिकॉट के दरख्त से हासिल होता है, हम इसके साथ ट्री के साथ मैचिंग करेंगे। देन एग्स, एग्स हमें हैन से हासिल होते हैं, हैन के साथ मैचिंग करें। फिश हमें पानी से, रिवर से हासिल होती है, हम इसके साथ मैचिंग करेंगे। देन बेटा यहाँ पर फ्लोर यानी कि आटा जो है, गंदम हमें यहाँ से, गंदम की जो क्रॉप्स होते हैं वहाँ से हासिल होती है, मैचिंग इसके साथ करेंगे। उसके बाद बीन्स है, तो बेटा ये बीन्स के प्लांट होते हैं, उसके साथ इसकी मैचिंग करें। और फिर है मिल्क, तो मिल्क हमें काओ से हासिल होता है और काओ के साथ इसकी मैचिंग करेंगे। और बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से मैच करके आपने इसको लर्न कर लेना है। उसके बाद ये रीडिंग करनी है पेज नंबर 22 पर, यूनिट नंबर 3, वेयर वी लिव, हम कहाँ रहते हैं जी। हाउसेज मतलब घरों में रहते हैं। फर्स्ट लाइन रीड करेंगे, अनम हैज़ अ हाउस फॉर हर डॉल्स, अनम के पास उसकी डॉल के लिए एक घर है। हेयर इट इज़, यहाँ पर पिक्चर में वो घर है जो डॉल का घर है। जैसे ये डॉल का घर है वैसे ही हमारे भी घर होते हैं, और ये डॉल के मुख्तलिफ रूम्स हैं यहाँ पर। देन है बेटा, वी ऑल नीड अ प्लेस टू लिव इन, हमें जगह की ज़रूरत होती है जहाँ हम रहते हैं। द प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड आर होम, और वो प्लेस, वो जगह जहाँ हम रहते हैं वो हमारा घर कहलाता है। जी बेटा अच्छे तरीके से ये रीडिंग आपने लर्न करनी है। थैंक यू।